अस्सलामुअलैकुम इन्फाम टीवी के साथ मैं हूँ फ़ियाज़ मोहसिन। वफाकी दारुलकूमत इस्लामाबाद में पेश आए नूर मुकद्दम कत्ल केस में कत्ल के रोज़ मकतूला की तरफ से अपने ख़ानदान के साथ रबते का इंकशाफ हुआ। मीडिया रिपोर्ट में नूर मुकद्दम के ख़ानदानी ज़राए का हवाला देते हुए बताया गया है कि नूर मुकद्दम की तरफ से ख़ानदान के साथ रबता किया गया। इसी दौरान मकतूला ने अपने घर वालों को कहा कि अगर मुझे ज़िंदा देखना है तो तलाश ना करना और ना ही पुलिस से किसी किस्म का रबता करना। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र पहले भी कई बार नूर मुकद्दम को तशद्दुद का निशाना बना चुका है, जिसकी वजह से वो पिछले 2 साल से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार थी। इसके अलावा मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र को नूर मुकद्दम का मजहबी रुझान भी पसंद नहीं था। दूसरी जानिब डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस नूर मुकद्दम कत्ल केस की अहम तफसीलात मंजर आम पर नहीं लाएगी क्योंकि मुकदमा अब तक ज़ेर तफ्तीश है। इसके अलावा तफ्तीश में मुतअद्दिद अहम चीज़ें शवाहिद और मालूमात हैं जिन्हें इस मरहले पर सामने नहीं लाया जा सकता।